ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो लोग कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बात चल रही है ग्रह और हमारे शरीर में रोगों के कनेक्शन की, तो आज हम लोग ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो लोग कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। जनरली ये जो बीमारी है 40 या 50 साल के बाद आती है, उस बीमारी का नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट यानी क्या? जब हमारे यूरिन में आफ्टर 40, 45, 50 के बाद इंसान को बार बार पेशाब जाना पड़ता है या पेशाब रुक जाता है या फिर रात को भी कंटिन्यू 3-3 घंटे में पेशाब जाना पड़ता है और वो भी पेशाब क्लियर नहीं होता है, यानी कि पेशाब आने जैसा लगता है पर आता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट की साइज, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है। अभी प्रोस्टेट का और ग्रह से क्या लेना देना? देखिए, प्रोस्टेट ग्रह ये मूत्रजन्य बीमारी है, यूरिन के रिलेटेड बीमारी है। यानी क्या आया? शुक्र। शुक्र जो है हमारे पेट के नीचे जो भी बीमारी है, पाइल्स बोलो, अल्सर बोलो, अपचन बोलो, प्रोस्टेट बोलो, ये शुक्र की देन है। तो शुक्र की महादशा में ऐसी बीमारी आती है। उम्र में भी सर्टन एज के बाद तो आनी ही आनी है, पर कम एज में भी आ सकती है। आज के युग में लोगों को 30 के बाद भी ये प्रॉब्लम चालू हुई है और मैंने बहुत से ऐसे भी केसेस देखे हैं जो 25 और 30 के बीच में भी यंगस्टरों को ये बीमारी हो रही है। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है अपना लाइफस्टाइल। पहले जूने ज़माने में लोग यूरिन जब पास करते थे, पेशाब को जाते तो बैठ के जाते थे, ताकि आपका पूरा लोड आपके यूरिनल पे आता था और मूत्राशय की पिशवी खाली हो जाती थी। आजकल सिस्टम बदल गया है, हम लोग टॉयलेट भी जाते हैं तो वेस्टर्न में जाते हैं, पेशाब भी करते हैं तो खड़े खड़े करते हैं। तो ये जो शुक्र है, ये जो बीमारी देते हैं, इसका इलाज उपाय क्या? तो ग्रह के दृष्टि से उपाय होता है कि शिवलिंग पे आपको नारियल पानी चढ़ाना है और पानी का जितना दान करते हैं, यानी कि कोई धार्मिक स्थान पे प्याऊ बनाते हैं, पानी जो शुक्र का भी कारक है, चंद्र का भी कारक है, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सेवा करते हैं लोगों की। एक बार खाना नहीं मिलता है तो चलता है, पर लोगों को पानी चाहिए। जब आप पानी का दान करते हैं, प्याऊ बनाते हैं, तो शुक्र इस प्रोस्टेट में हेल्प करता है। दूसरा अच्छा सा उपाय है योगासन, क्योंकि दवाइयां तो बहुत है आजकल एलोपैथिक में, पर उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, प्रोस्टेट के ऑपरेशन भी होते हैं, ये साइंस हो गया। पर अगर आपको दवाइयां और ऑपरेशन की तरफ जाना नहीं है, वो वेदना सहन नहीं करनी है, पेन किलर नहीं खाने हैं, तो इसके लिए हमारे जो योग, जो हिंदू योग, भारतीय योग शास्त्र में बोला है, सबसे पहला बटरफ्लाई एक्सरसाइज, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन आसन और बालकासन, मंडूकासन, ये जब आसन करते हैं तो आपके जो पेल्विक एरिया है वो सक्रिय होती है और यूरिन आसानी से पास होता है। बहुत से लोगों को जब यूरिन नहीं आती है तो मन बेचैन होता है, उससे बीपी भी बढ़ता है, लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो आजकल मॉडर्न एज में कैथेटर भी लगाते हैं, पर ये सब करने से अच्छा जब आपका योगा का सहयोग लेते हैं, पंचकर्मा करते हैं, आपके बॉडी का जो वात पित्त कफ लेवल में लाते हैं, तो इस बीमारी से बहुत सारी राहत होती है। और शुक्र की जो उपासना करता है, यानी शुक्र के महादशा में भोग विलास छोड़ के संयमित जीवन की ओर जाता है, फास्ट फूड्स वगैरह, तली हुई चीज़ें, शुगर और मैदा, एक कम करता है, बंद तो होना इम्पॉसिबल, पर जब कम करता है वो लिमिट में करता है, तो ये बीमारी नहीं होती है। आशा करता हूँ हमारे जो वीडियो चल रहे हैं, कुछ ज्ञानवर्धक है, कोई ज्योतिष के रिलेटेड है, कोई मोटिवेशनल भी है, हेल्थ के रिलेशन भी है, तो आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरे जो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और लाइक से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो बोल सके।
और राहत पा सके, यही हमारा इस वीडियो बनाने का मोटिवेशन है। धन्यवाद, प्रणाम, जय जिंदा।